तो हे नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक आज 35 मोटर माइनिंग नॉलेज चैनल। तो दोस्तों, आज मैं जब अपने कुएं की तरफ घूमने आया तब मैंने देखा कि जो मोटर का स्टार्टर था उसमें शायद किसी ने जोड़ दिया होगा, लेकिन कलर कोडिंग की दिक्कत थी जो डेल्टा मोटर होती है उनमें। ठीक है, तो उसको मैंने सही कर दिया। तो मुझे लगा कि चलिए ये अपने यूट्यूब की फैमिली को भी बताते हैं कि कलर कोडिंग क्यों ज़रूरी होती है जो डेल्टा मोटर होती है या फिर जो सिंगल फेज मोटर होती है उसमें। ठीक है, तो अक्सर जो प्रॉब्लम नए जो वाइंडर होते हैं उनको या फिर जो किसान भाई होते हैं हमारे जो मोटर चलाते हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो उनके साथ ये कलर कोडिंग की दिक्कत होती है। ठीक है, तो अक्सर नई मोटर में जो हम लाते हैं शॉप से तो उसमें जो है रेड में ही कंटिन्यूटी आती है, जो डबल केबल की मोटर होती है डेल्टा। ठीक है, रेड से रेड में कंटिन्यूटी आती है और जो येलो से येलो में आती है और ब्लू से ब्लू में आती है। तो बहुत बार जो कई वाइंडर होते हैं वो वाइंडिंग करते वक्त जो है उसमें कलर कोडिंग को मिस कर देते हैं और जो एनी अदर कलर में कंटिन्यूटी आने लगती है। हालांकि वो जो वाइंडर होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम को समझ जाते हैं लेकिन उसको कनेक्शन करके सही दे देते हैं। बाकी अगर कोई नया किसान हो, उसने अगर पहले इस चीज़ का अगर उससे पाला ना पड़ा हो तो उसको बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो अगर जो स्टार मोटर होती है उसमें यह दिक्कत नहीं आती। स्टार में आप चाहे कोई सा भी कलर में कोई सा भी फेस दे दो, उसको चलना ही है, बस उल्टी चलेगी तो आपको जो है चेंज कर देना है ऊपर से। बाकी जो अगर डेल्टा मोटर होती है ना डबल केबल वाली, तो उसमें ये अपने कलर कोडिंग की बहुत दिक्कत होती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से अगर कलर कोडिंग की दिक्कत होगी ना तो आपकी मोटर जलेगी जलेगी 101%। ठीक है, कलर कोडिंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है और ख़ास तौर पर जो सिंगल फेज़ की मोटर होती है ना, सिंगल फेज़ में भी कलर कोडिंग इम्पोर्टेंट होती है। जैसे कि अगर आपने कलर कोडिंग में कॉमन ब्लू वाला बनाया है तो उसमें ओनली फेज़ ही लगेगा। ठीक है, अब इसमें आप दूसरा तो कैपेसिटर लगा नहीं सकते, तो वो चीज़ होती है कलर कोडिंग। ठीक है, जो कि डबल केबल डेल्टा और जो अपने सिंगल फेज मोटर होती है उनमें V4 हो सकती है वो, या फिर वो अपने ओपन वेल 3 HP, 5 HP, 2 HP, 1 HP कुछ भी। ठीक है, बाकी ये सिंगल केबल डेल्टा में तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कुछ भी जोड़ दीजिए आप, उसमें अंदर से ही होता है सब कनेक्शन, एक केबल ही निकलती है। बाकी डबल केबल वाली में कलर कोडिंग मायने रखती है और सिंगल फेस मोटर में जो मायने रखती है कलर कोडिंग। ठीक है ना, तो आपको जो है वो चाहे आप किसान हो चाहे आप वाइंडर हो, तो ऐसी चीज़ें आपको इग्नोर नहीं करनी है। ठीक है ना, क्योंकि इस केसेस में मोटर जलेगी, अगर कलर कोडिंग मिस हुई तो आपकी मोटर जलेगी। ठीक है, और अगर उतार अपने बोरवेल में डालने निकालने का खर्चा वो अलग, और आपको दोबारा से उसको वाइंड करके देना पड़ेगा, वो चीज़ अलग है। ठीक है ना, तो कलर कोडिंग की बात करूँ मैं, कलर कोडिंग क्या होती है तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर आपको मेरी बात सही लगे तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। और जो हम अगला नेक्स्ट पार्ट लाने वाले हैं मॉडिफाई स्टार्टर वाला, जो कि 2 फेज पे नहीं चलेगा, ओनली 3 फेज आएगा तभी स्टार्ट होगा वो स्टार्टर, तो इसके लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, तो सिंगल फेज मोटर में इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कलर कोडिंग, क्योंकि जो ब्लू वाला होता है वो कॉमन बनता है। ठीक है, आप बात समझिए, जो ब्लू वाला बनता है वो कॉमन बनता है, और जो येलो वाला होता है वो हमारे स्टार्टिंग कॉइल का लीड होता है, और जो रेड होता है वो हमारे रनिंग कोयल का लीड होता है। तो आप ऐसा तो है नहीं कि आप रेड को कॉमन बना देंगे फिर आपको स्टार्टर में जोड़ते वक्त आपको नहीं चलेगी वो मोटर, क्योंकि स्टार्टर में हमेशा ब्लू वाला ही कॉमन बनाया हुआ होता है सिंगल फेज के स्टार्टर में। ठीक है, तो इस तरीके से आप कलर कोडिंग को ध्यान रख के वाइंडिंग करेंगे तो ना आपको दिक्कत होगी, जो हमारे नए वाइंडर वाइंडिंग करते हैं उनको दिक्कत होगी, ना ही किसी किसान को होगी, क्योंकि दोस्तों उसको अगर कोई दिक्कत होगी तो वो हमारे पास आएगा प्रॉब्लम लेके और हम उसका सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे,
उसको उसी तरह वापस करके दे देंगे तो फिर हमारी सॉरी हमारी क्या वैल्यू रही फिर, है ना। हमको अपना दिमाग अलग से नहीं लगाना है, बस जो है वही करना है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। मैंने सोचा चलो अपने व्यूवर्स को बता देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप कलर कोडिंग तो समझ गए होंगे, बहुत ज़रूरी है, डबल केबल डेल्टा और अपने जो सिंगल फेज होती है मोटर उनमें, ठीक है। तो इनको आप मिस करेंगे तो आप अपना काम भी ख़राब कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। दोस्तों इस चैनल पर आपको ओनली नॉलेज ही मिलेगा, नो टाइम पास, कुछ टाइम पास नहीं मिलेगा, ओनली नॉलेज ही मिलेगा।